हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि यूपीपीएससी ने निकाला है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला है जो कि निकाला है आज 24 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो 24 नवंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन जो है यूपीपीएससी की ओर से आया है। अब ये जो यूपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन ये है, जितने भी डिपार्टमेंट है यूपी में, चाहे वो आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे यूपी पुलिस रेडियो सर्विस डिपार्टमेंट हो, या आपका जो है जो भी मेडिकल से रिलेटेड यूपी डिपार्टमेंट है, तो इन सब में जो है लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है नोटिफिकेशन यूपीपीएससी की तरफ से आया है, इसमें देखिए एप्लीकेशन जो फी है उसे पे करने का जो लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर है। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो 24 दिसंबर 2020 है, यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट दे रखा है कि अगर आपने जो है इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, या अगर आप कोई भी जो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे या मिस रिप्रेजेंटेड या कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे, तब भी आपका जो है यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में यूजर इंस्ट्रक्शन व्यू एडवर्टाइजमेंट अप्लाई सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो आप अपना जो फी पेमेंट करना चाहते हैं वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं, या कुछ अदर पेमेंट मोड भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी की। तो यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन फी है वो जनरल के लिए रहेगी 80 प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी जो कि रहेगी 25। तो टोटल यहाँ पे 105 जो है वो जनरल के लिए रहेगी आपकी फी। और वहीं बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की भी एप्लीकेशन फीस सेम है 105, एससी की एप्लीकेशन फीस 65 टोटल अलॉन्ग विद टैक्सेस, एसटी की 65 और हैंडीकैप की 25, और डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विस मैन की जो है वो यहाँ पे देखिए 65 रुपीज़ मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो ये सारी जो फी पेमेंट है यहाँ पे आप दे सकते हैं एप्लीकेशन फी का। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पे यूपी होम पुलिस डिपार्टमेंट, यूपी पुलिस रेडियो सर्विस, यहाँ पे जो वैकेंसीज को निकाला गया है जो 2 पोस्ट है असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर की। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने देखिए नेचर ऑफ पोस्ट भी मैंशन कर रखा है, ये गेजेटेड है टेम्परेरी है। यूपी पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 15,600 to 31,100 का जो यहाँ पे पे स्केल आपको मैंशन दिया गया है, ग्रेड पे 5,400 का है, और जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 10 है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको रुपीज़ में दे रखा है पे लेवल 10, 56,100 to 1,77,500 यहाँ पे मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक और टेली कम्युनिकेशन, तो ये सब में अगर आपका बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी की। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में। तो यहाँ पे देखिए जो नेचर ऑफ पोस्ट है वो गेजेटेड है, टेम्परेरी बट लाइकली टू बी परमानेंट, यानी कि मोस्टली जो है ये जो पोजिशंस है वो मोस्टली लाइकली टू बी परमानेंट है। ठीक है, तो देखिए आप पे बैंड जो है मेंशन कर रखा है वो 15,639,100 है विथ ग्रेड पे 6,000 लेवल 10, और यहाँ पे जो एज जो है वही मेंशन कर रखा है 21 to 40 ईयर्स। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो आदमी जितने भी सब्जेक्ट है सबकी जो वैकेंसीज को निकाला गया है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ जो कैटेगरी वैकेंसी है जनरल, ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी, ओबीसी ऑफ यूपी, एससी ऑफ यूपी, एसटी ऑफ यूपी, तो ये भी अभी मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बॉटनी की, तो यहाँ पे 13 टोटल वैकेंसी है, 10 जो जनरल की है, 1 ईडब्ल्यूएस ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी की वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपका पीजी डिग्री 55% मार्क्स के साथ होता चाहिए और रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपका जो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 5% दिया जाएगा अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा जो है अगर आपने 2009 से पहले अगर आपने जो है आपकी जो पीएचडी कंप्लीट है, तब जो यहाँ पे 1991 से जो भी अगर आपसे पहले आपने जो है पीएचडी कंप्लीट कर रखी या पीएचडी डिग्री होल्डर है, तो आपको यहाँ पे जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है नेट और गेट भी क्वालिफाई होना जरूरी है, और साथ ही साथ देखिए अगर आपका पीएचडी डिग्री 2009 से पहले है तो यहाँ पे आपको जो है नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आप देखिए यहाँ पे अब अलग जो मेडिकल फील्ड में, जो इसे एनेस्थीसियोलॉजी के लिए या ऑप्थोमोलॉजी के लिए, ओटो राइनो लैरिंगोलॉजी के लिए, तो ये सबके लिए देखिए यहाँ पे जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है। साथ ही अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है या आपका कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस है, तब भी यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आप जो है इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और यूपी के लिए पोस्ट को निकाला गया है। यहाँ पे 3 पोस्ट है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पे स्केल यहाँ 15,600 टू 39,100 रुपीज़ है, ग्रेड पे 5,400 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्चर में, अवार्डेड बाय यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय द एक्ट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। साथ ही अगर आप यहाँ प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन में मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट हैविंग एसेंशियल एलिजिबिलिटी विल बी गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी में एलोपैथी में निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, या एनेस्थीसियोलॉजी हो गया, ऑप्थेमोलॉजी, ईएनटी, एंडोक्राइनोलॉजी। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और आपने अगर जो है एमबीबीएस किया या एमडी किया है, तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है डायरेक्टली यहाँ पे आपको वैकेंसीज मेंशन कर रखी हैं, साथ ही में ये भी दिखाया गया कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी वैकेंसी, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो देखिए सामने जो है हर पोस्ट की जो भी एलिजिबिलिटी है या इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो भी मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यूपी चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने जो है होम्योपैथिक में आपने बैचलर डिग्री लिया है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है, जैसे पैथोलॉजी, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, तो सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी में वैकेंसी है। अगर आप इन में आपका जो है अंडर ग्रेजुएशन आपने इनमें किया है, तो आप जो है लाइक इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जो है इनके लिए जरूर अप्लाई करिए, ये सब जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यूपी डायरेक्टरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए भी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो 4 पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर के लिए, जनरल रिक्रूटमेंट है और नेचर ऑफ पोस्ट यहाँ मेंशन कर रखा है परमानेंट गेजेटेड। साथ में आपको जो पे ग्रेड भी यहाँ मिलेगा, और स्टार्टिंग में देखिए यहाँ प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका 2 ईयर्स का, उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्केल मेंशन कर रखा है 15,600 टू 39,100, साथ ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की रखी है। तो अगर आपका कोई भी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, तब यहाँ पे आपको जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये सारी वैक्सीन लाइक वैकेंसी जो मैंने आपका डिस्कस कर लिया, ये भी देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है ये भी वैकेंसी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि आपको जो अपना जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट, वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और जो कैलकुलेशन ऑफ एज रहेगी वो रहेगी 1 जुलाई 2020 तक, ठीक है। इसके बाद अगर आप कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC आपको लेना पड़ेगा, क्लियर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो मैंने आपका डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक अ प्रिंट ऑफ दिस पेज बाय क्लिकिंग ऑन द प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल। तो ये सब जो आपको फॉर्म आएगा, आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, एग्जामिनेशन सेगमेंट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सेगमेंट को, ये सब जो है लेटर बाद में आपको करना है। पहले आपको जो अपना एप्लीकेशन जो है फिल करना है, उसके बाद ये सब चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसके बाद उन्होंने आप कुछ लाइक फोटो का ही बता रहेगा कि आपका जो फोटो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फॉर्मेट होना चाहिए फोटो का वो JPG, JPG, GIF, TIFF, PNG होना चाहिए, और जो से लाइक फोटो का साइज होना चाहिए वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ दी है, और साथ ही सिग्नेचर का भी बोला कि आपको अपना सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर्स में आपका होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे जो आपको जो है पहले पढ़ने चाहिए, कोई भी एग्जाम पढ़ने के लिए आपको जो है इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़े, ताकि उसमें जो है आपको पता चले कि आपको फॉर्म में क्या क्या लगेगा, ठीक है। जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, या अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।